ए भैया, RBI ऑफिस अटेंडेंट रिजल्ट। RBI तुम्हारे फूफा जी का है का? हैं, जो जब चाहोगे तब वीडियो बना दोगे और रिजल्ट घोषित कर दोगे। सो गाइस, आपको ये वीडियो में भी मतलब लाइक और डिसलाइक और कमेंट सब कुछ खुला है, जैसा भी आपको लगे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी फेक न्यूज़ पे वीडियो नहीं बनाता। चैनल की ऑथेंटिसिटी को लेकर पहले भी क्वेश्चन उठे थे और मैंने उस पर वीडियोस बनाई हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी और कई ऐसी मतलब। लेकिन अब यहाँ पे RBI ऑफिस अटेंडेंट के रिजल्ट की बात आ रही है। रोज और हर समय, मतलब हर एक घंटे पे मैं कह सकता हूँ कि वीडियोस बनती ही जा रही हैं। लो आ गया रिजल्ट, लो आ गया रिजल्ट, लिस्ट घोषित हो गई, अपना नाम चेक कर लो, ऐसे चेक करें, वैसे चेक करें, अरे घंटा चेक करें, रिजल्ट ऐसे थोड़ी आ जाएगा। RBI तुम्हारे फूफा जी का नहीं है। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग वीडियोस बनाते जा रहे हैं और उस पर आप लोग व्यूज़ भी बढ़ाते जा रहे हैं। अरे एक बार देख ली कि जब उस बंदे ने गलत न्यूज़ दी है तो हटाओ उसको, फिर क्यों वहाँ से, फिर मतलब क्या मिलता है फिर दोबारा उन वीडियोज़ को देखने पर। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे चैनल से जुड़ो जो ऑथेंटिसिटी रखता हो, जो सही न्यूज़ दे आपको। ऐसे फर्जी के चैनल पर मतलब रोज़ वो मैं देख रहा हूँ यार, हद होती है, लिमिट भी क्रॉस कर रहे हैं। बता रहे हैं आज आ जाएगा रिजल्ट, आज आ जाएगा रिजल्ट, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। अरे RBI तुम्हारे क्या मतलब, क्या फूफा जी का है, है? तुम्हारा दोस्त है RBI जो तुमको सारी न्यूज़ देता रहता है कि हाँ भैया आज हम रिजल्ट देने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर जुगाड़ भी होगा तुम्हारा, है? मतलब यार बच्चों के इमोशन से खेला जा रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने भी कहा कि लो भैया हम भी एक बना देते हैं वीडियो। लो मैंने भी रिजल्ट घोषित कर दिया आज। मैं आपको अभी एक वेबसाइट दिखाऊंगा, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं बोल रहा, आपको मैं वेबसाइट दिखाऊंगा अभी एक, वहाँ पे आप डेली चेक करिए, अगर रिजल्ट आएगा तो वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और कोई मतलब किसी को नहीं पता है कि कब आएगा वो, अनाउंस्ड सून और रिलीज्ड सून, जल्द ही रिजल्ट घोषित होगा, जल्द ही रिजल्ट घोषित होगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये तो सबको पता है कि जल्दी घोषित होगा। इसके बाद मैं एक वीडियो वही लेकर आऊँगा जिसमें रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लग रही है और काम की लग रही है अगर, तो चैनल पे अभी जुड़ जाओ तुम लोग। ठीक है, ऐसे फालतू के चैनल से जुड़ने से अच्छा है कि ऐसे चैनल से जुड़ो जो आपको सही न्यूज़ दें। और मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, किसी और भी चैनल से जुड़ें तो आप वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर ऑथेंटिसिटी कितनी है, जो बंदा या बंदी न्यूज़ आपको दे रहा है वो कितनी सच है। ठीक है, एक बार देख लिया कि वो फेक है, बस हटो वहाँ से, तुरंत कट लो वहाँ से, हैं? इमोशन से खेल रहे हो तुम बच्चों के, मतलब उन चैनल्स वालों को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ो के निवेदन है यार, अगर न्यूज़ देनी है तो सही न्यूज़ दो। बच्चे आप पे विश्वास करते हैं आपके, मतलब सिर्फ आप अपने व्यूज़ और अपने लाइक्स को मतलब बढ़ाने के लिए नहीं, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए नहीं वो वीडियो बनाओ। जो ऑथेंटिसिटी है, जो रियलिटी बेसिस पे आपकी न्यूज़ है वो आप होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं थंबनेल पे कि रिजल्ट घोषित, तो आप दिखाइए कि रिजल्ट कैसे घोषित, कहाँ घोषित, कितने बच्चे पास हुए, कैसे लिस्ट देखें, लेकिन वो रियलिटी में होना चाहिए, सिर्फ थंबनेल लगा देने से नहीं है। और ऊपर से लाइक और डिसलाइक और कमेंट सब कुछ हाइड कर रखा है कि बच्चे एक बार देख लें, व्यूज़ तो उनका बन जाए बट लाइक डिसलाइक या कमेंट कुछ ना करवाएं। अरे गरियाए जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, नहीं यकीन है तो कमेंट बॉक्स खोल के देख लो, कमेंट बॉक्स एक बार ऑन करो कमेंट्स और फिर देखो। ठीक है, करिया जा रहे हो तुम लोग, ऐसे बच्चों के इमोशन से मत खेलो, इसीलिए मैंने बोला है कि संभल जाओ। और आप लोग भी ध्यान रखिए, ऐसे चैनल से जुड़िए जो आपको रियलिटी मतलब कि सच जो न्यूज़ होती है वो दे, ना कि फेक। ठीक है, और अभी मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वहीं पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं खुद एक वीडियो इसके बाद लेकर आऊँगा जिसमें मैं, वो वीडियो वही होगी जिसमें मैं रिजल्ट बताऊँगा। इसके बाद मैं कोई भी RBI ऑफिस अटेंडेंट पे वीडियो, हाँ जो कुछ चैनल्स हैं कि मैं बोल सकता हूँ, जैसे वो सैलरी बता रहे हैं और कैसे क्या काम होता है या ऑफिस अटेंडेंट में क्या क्या काम करना पड़ता है, कट ऑफ वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, वो चैनल सही है। आप न्यूज़ दे रहे हो कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो वो सही है, बट कुछ चैनल से ज़्यादा मतलब ऐसे कई चैनल्स हैं जो बार बार
हर एक घंटे पे वीडियो बना रहे हैं, 4 घंटे में देख रहा बार बार, तो 4 घंटे 4 आवर्स है गो, 4 आवर्स है गो, 20 आवर्स है गो, 15 आवर्स है गो, 7 आवर्स है गो, मतलब कुछ ना कुछ वीडियो ही बना जा रहे हैं। लोग घोषित हो गया, अरे भैया ऐसे कैसे घोषित कर दे रहे हो, तुम बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, और बच्चे भी बेवकूफ़ हैं जो मतलब उस चैनल से जुड़े हुए हैं, बार बार व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ाओ व्यूज़, ना ही मैं किसी की रोटी काट रहा, ठीक है, बट यार ऑथेंटिसिटी तो रखो कुछ न्यूज़ की, कि हाँ जो रियलिटी बेसिस पे आप न्यूज़ बता रहे हो वो सच में है या नहीं है, या सिर्फ हवा में चल रही है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में लेकर जो आऊँगा उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि रिज़ल्ट आप कैसे देखें, और रिज़ल्ट आप कैसे देखें नहीं, मैं खुद अपना रिज़ल्ट या जो भी ऐसा किसी का होगा तो मैं वो रिज़ल्ट आपको देख कर बताऊँगा, और जो अगर रिज़ल्ट आएगा तभी वीडियो बनाऊँगा RBI ऑफिस अटेंडेंट के पर, ठीक है, और फालतू वीडियोस मैं नहीं लाने वाला। तो अगर आपको लगता है ऐसा मैं करूँगा, बाकी आप अपना लाइक डिसलाइक कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो भी कहना है आप कह सकते हो, ठीक है, और जो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो है लाइक डिसलाइक सब कुछ खुला है, कमेंट बॉक्स भी खुला है, वहाँ पे कमेंट भी करके हमें बता सकते हो, और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ वो सच होती है, बिल्कुल एकदम मतलब रियलिटी बेसिस पे, कोई भी अपने मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए कभी भी कोई वीडियोज़ नहीं बनाई है, यही मेरे चैनल की ऑथेंटिसिटी है। कोई भी वीडियोस आप देख लीजिए, भले ही उसमें व्यूज़ कम होंगे, बट जो बोला है तो वो मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है, इसलिए अगर आपको भरोसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। बाकी ऐसे फेक चैनल से बचिए जो आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं, और वहाँ से तुरंत कल्टी मार लीजिए, ठीक है। मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी के सब्सक्राइबर्स कम करना या व्यूज़ उनको कम करना, बट ये मकसद है कि आप ऐसे चैनल से जुड़ी जो आपको ऑथेंटिसिटी रखते हों और सही न्यूज़ प्रोवाइड करते हों, बाकी आप व्यूज़ और लाइक और डिसलाइक से कुछ नहीं होता, मेन बात ये होती है कि आपकी जो न्यूज़ है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो कितनी सच है। तो उन चैनल से बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं तो वो सच हो अगर तभी बनाइए, बार बार एक ही चीज़ वही न्यूज़ खोल के आप दिखा रहे हैं ब्राउज़र पर, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ मत बनाइए, उल्लू मत बनाइए, जनता भी आजकल पढ़ी लिखी हो गई है, वो समझेगी और निकलेगी वहाँ से, सो ऐसा मत करिए। चलिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से बार बार चेक कर लीजिएगा कि रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। सो गाइस, ये वेबसाइट है RBI की, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और जो भी अगर रिज़ल्ट आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसा कि अभी सेकेंड फेज़ का रिज़ल्ट आया था आप सबको पता है, तो यहाँ पे लिस्टिंग इसकी हो चुकी है, वैसे ही मैं 4 मई को आया था यहाँ रिज़ल्ट, तो इसकी लिस्टिंग यहाँ पे बनी है, वैसे ही आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और लिस्ट बनेगी, और वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या रिज़ल्ट, जैसे भी RBI देना चाहे वो रोल नंबर वगैरह या जैसा उनका प्रोसीजर है वो देगा। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल इसका लिंक जो मैं है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, ये ऐसे ये लिंक है opportunities.rbi.org.in, ठीक है। तो गाइस अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो लाइक करिए, बाकी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ और अपने थॉट्स थिंकिंग सब कुछ कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ याद रखना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही बनाऊंगा जिसमें आपका रिज़ल्ट मैं ऑफिशियली दिखाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।